आवाज कैसे क्लियर होगी आप लोगों को जब मैंने म्यूट कर रखा था यहाँ पे आवाज तो अब क्लियर होगी ना मैंने म्यूट ही कर रखा था यहाँ पे अपना माइक। आवाज कैसे क्लियर होगी आप लोगों को जब मैंने म्यूट कर रखा था यहाँ पे यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए जी सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है तो माय पेन इज हियर सो मेरा पेन यहाँ पे है और अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपना जीए सेट नंबर 4। इसमें हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर के एमसीक्यूज जो डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हम तीन सेट में डिस्कस कर चुका हूँ। डेली के करंट अफेयर्स भी मैं इसमें ऐड करता हूँ प्लस आपकी जनरल अवेयरनेस जो थियरी जो एमसीक्यूज हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेट को सेट नंबर 4 को। इस क्लास को लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं आपको जो है मेरे दोनों बेस्ट सेलिंग कोर्सेज जो स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आप लोग जो है पहले थ्योरी पढ़ना चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं जिसमें आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सके तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं जनरल अवेयरनेस सिलेक्शन बैच जो शाम को 7 बजे डेली मैं इसमें क्लासेस लेता हूँ और इसमें 2.5 घंटे की क्लास रहती है। 2 घंटे जो होते हैं हमारे टॉपिक के होते हैं और आधा घंटा आपका डाउट सेशन देखने को मिलता है। और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस सैटरडे को प्रॉपर डाउट सेशन होते हैं और संडे को आपका मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो ये बैच की जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो है 12 अगस्त। अगर आप 12 अगस्त से पहले एडमिशन लेना चाहते हैं या 12 अगस्त तक लेना चाहते हैं तो इस बैच में आप ले सकते हैं। इसके बाद इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगी। दूसरा हमारा कोर्स है 10,000 MCQ कोर्स जो कि सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। इवन 10 पैसा पर एमसीक्यू आपको पढ़ने को मिलता है यहाँ पे। इसमें 10,000 बोलने को है लेकिन मैंने इसमें आई थिंक 10 से 15,000 क्वेश्चन एमसीक्यू 15,000 के आसपास एमसीक्यू डिस्कस कर दिए हैं। और जैसे ही और मुझे टाइम मिलेगा मैं और भी इसमें वीडियोज अपडेट कर दूंगा। इसमें कोड लगा लेना आप लोग VIP फ्लैश तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10,000 MCQ कोर्स में। इवन 10 पैसा पर MCQ ये आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता मतलब इतना महंगा नहीं है। और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसमें एक कोड लगा लेना VIP 1000 तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों में से जो भी आपको लगता है अच्छा आप परचेज कर सकते हैं। दोनों दोनों कर लोगे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपको करना क्या है स्टडी आईक्यू की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आप स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे देखिएगा सर्च बार। सर्च बार में डाल देना लाइव वर्ड। जैसे आपने लाइव वर्ड डाला तो आपको जस्ट लॉन्च में आपको ये वर्ड नजर आ जाएगा लाइव जनरल अवेयरनेस सिलेक्शन बैच। इसको क्लिक करना और इसमें कोड डाल देना VIP 1000 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप एमसीक्यू कोर्स परचेज करना चाहते हैं 10,000 MCQ कोर्स अगेन सर्च बार में डाल देना 10,000 तो आपको कोर्स नजर आ जाएगा और इसको क्लिक करके आप अपने कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगेन प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोड मैंने आपको बता दिया यहाँ पे लगा देना VIP फ्लैश तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बाकी कोई भी आपको जानकारी हो या लेनी हो या आपको लिंक सीधा शेयर करना हो या पूछना हो आप लोगों ने तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं कुछ रील्स अपडेट करने लग गया हूँ ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आप लोगों को। आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपका कोई पेपर डाउट हो एनीथिंग क्वेश्चन वगैरह जो भी हो। ठीक है स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ओके आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। एक सेकंड रुको यार मैंने मुझे एक बार देखने दो कि मतलब मैंने क्वेश्चन डाले थे आपके इसमें भूल तो नहीं गया मैं कहीं डालने के लिए। अरे वो चलो कोई बात नहीं मैं आपको ना यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है एक आपको ये लिख देता हूँ। एक्चुअली मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों के जीए सेट नंबर 3 के अंतर्गत तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे मैं फटाफट आपको लिख देता हूं। उसमें था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है मराठों को लीड किसने किया था। मराठास को लीड किसने किया था आप फटाफट आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कोल के अंदर कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा हाइएस्ट किसमें होती है। दूसरा क्वेश्चन था
तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जो विनेगर है आपका, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। चौथा क्वेश्चन था आपका, यस, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, कंट्री डायरेक्टर, डायरेक्टर फॉर इंडिया, इंडिया के डायरेक्टर जो हैं आपके कौन बने हैं, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और एक था बुक का नाम, बुक का नाम था डेट इज बुक का नाम था लॉकडाउन लिरिक्स, लॉकडाउन लिरिक्स, जो नवीन पटनायक जी ने इसको मतलब रिलीज किया था, इसके ऑथर का नाम क्या था, इसके ऑथर का नाम है संयुक्ता दास। ये हमने क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, पानीपत की थर्ड बैटल में जो है लीड किसने किया था, सदाशिव राव भाऊ ने लीड किया था, ठीक है। और ये लड़ाई हुई थी 1761 में। परसेंटेज हाईएस्ट किसकी होती है, एंथ्रासाइट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन में डालना भूल गया, कोई बात नहीं। विनेगर में एसिड कौन सा होता है, इथेनोइक एसिड, जिन्हें हम और क्या कहते हैं आपका, दैट इज एसिटिक एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं, एसिटिक एसिड को, क्लियर। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का नाम बताइए, ऑगस्ट तानो कुमानो, सो दिस इज द नेम, अगस्त तानो कुमा, सो कुमाओ, सी के ओ यू एम ए, कुमाए, कुमाने, ठीक है, सो कुआमे एम ई, सो दीज आर द क्वेश्चन, दीज वर द क्वेश्चन एक्चुअली जो मैंने कल पूछे थे आपसे। अब स्टार्ट करते हैं जी इस क्वेश्चन से, जो ये क्वेश्चन थे कल के क्वेश्चन थे, अब चले जी स्टार्ट करो जी अपने क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है, और आज के इन क्वेश्चंस के अंतर्गत जो है आपको जो भी चीजें मिलेंगी प्लीज नोट डाउन करते रहा करो, ताकि जो है आपको चीजें क्लियर होती चली जाए। इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हमारे इंडिया में कौन कौन सी हैं, आपको सबको वैसे तो पता ही है, जो पश्चिम में, जी पश्चिम में बहने वाली जो रिवर्स हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, सबका आपको पता है, बट यहाँ पे थोड़े से टेढ़े नाम आ चुके हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। सो इनमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी नहीं है, पेरियार वेस्ट फ्लोइंग है, भारतपुझा वेस्ट फ्लोइंग है, पंबा इज वेस्ट फ्लोइंग, तम्रापानी जो है ये आपकी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, ये याद कर लीजिए, आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही करने होते हैं, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले ना, तो जस्ट राइट डाउन, कहीं पे भी राइट डाउन कर लो कि हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अदरवाइज जो मेनली वो पूछता है वो यही पूछता है आपकी साबरमती, तापी, माही, और जो है आपकी साबरमती, माही, ताप्ती, और जो है साबरमती, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ये चार नदियां बहती हैं, और चार नदियां एस्चुरी बनाती है आपकी, कहां पे, दैट इज इन द वेस्ट साइड ऑफ द जो है आपके कोस्टल प्लेस। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये सारी रिवर्स क्या बनाती हैं, डेल्टा, जो ईस्ट फ्लोइंग है, जैसे अगर मैं बात करूं नर्मदा, अगर मैं बात करूं महानदी की, ठीक है, महानदी की बात करें, कृष्णा, गोदावरी की बात करें, कावेरी की बात करें, यहां पे वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, दैट इज तम्रापानी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिवर शारदा ड्रेन्स इन द नदन प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर एंटरिंग इन द प्लेन्स शारदा इज नोन एज। देखिए जी क्या कहते हैं, शारदा रिवर जो है वो उत्तर भारत के जो नदन प्लेन्स हैं वहां पे ड्रेन करती है, अगर वो प्लेन एरिया में क्रॉस करती है तो शारदा को हम क्या कहते हैं, उसमें शारदा रिवर को क्या कहा जाता है, देखिए उस रिवर को कहते हैं रिवर काली, आंसर नंबर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जब उत्तर प्रदेश के मतलब बिफोर एंटरिंग इनटू द प्लेन एरिया, उसको हम कहते हैं काली रिवर के नाम से जानते हैं। अगर मैं भागीरथी की बात करता हूं, तो आपको पता है भागीरथी और अलकनंदा ये मिलते हैं आपके कहां पे, उत्तराखंड में, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड देवप्रयाग, देवप्रयाग, जहां से आपकी कौन सी रिवर स्टार्ट होती है, गंगा रिवर स्टार्ट हो जाती है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, क्लियर हो गया आप लोगों को, जी क्लियर। अब आप लोगों ने यहां पे पिंडर रिवर पढ़ा है, तो पिंडर रिवर भी मैंने हमने डिस्कस किया था, एक पढ़ा था हमने, एक डिस्कस किया था हमने कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग हमने कहां पे पढ़ा था, जब हमने बोला था अलकनंदा और आपकी पिंडर रिवर जहां पे मिलते हैं, अलकनंदा और पिंडर रिवर जहां पे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर।
सरस्वती एक रिवर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये ऋग्वेद के अंदर जो है एक रिवर थी, क्लियर। ऋग्वेद की अगर मैं वैदिक एज की बात करता हूं तो वहां पे रिवर थी। आज हम सरस्वती जो है अपने स्टडी के रिलेटेड जो है भगवान के नाम से जानते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, काली रिवर इज द राइट वन, काली रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस पर्सन ने यह वर्ड यूज किया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है एक स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन है। स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन का मतलब एकदम से झटके से हो गई, ये रेवोल्यूशन एकदम झटके से हो गया। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। जब इस तरीके का, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जब इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, जस्ट राइट डाउन ऑन द सेपरेट पेज, जो इस तरीके के क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिलते हमें, ये क्वेश्चन भी मुझे किसी पेपर में मिला है, अदरवाइज मेरा दूर दूर तक भी ख्याल नहीं था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर जब डालता होता ना तो हमें वो चीजें सेपरेट लिख लेनी चाहिए। तो यहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट को स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन के नाम से किसने बोला था, क्विट इंडिया मूवमेंट को स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन के नाम से बोला था, एफ जी हचिनसन ने बोला था। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। जी समझ आ गया आप लोगों को, एफ जी हचिनसन, यस बिल्कुल सही, एफ जी हचिनसन। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट की, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हो चुकी थी, और इसमें गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था डू और डाई का, और ये स्टार्ट हुई थी ग्वालियर टैंक, बॉम्बे से स्टार्ट हो चुकी थी, बॉम्बे से। फिर उसके बाद 9 अगस्त को स्टार्ट करी थी, आईएनसी ने स्टार्ट करी थी। यहां पे ये वायलेंट मूवमेंट हो चुकी थी, वायलेंट का मूवमेंट का मतलब क्या है, हिंसाजनक, क्लियर। यहां पे लोगों ने जो है लड़ाइयां करनी वगैरह स्टार्ट कर दी थी, और इस लीडर, इसके लीडर कौन थे, इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट, इनके कोई भी लीडर नहीं थे। नो डाउट गांधी जी ने यहां पे स्लोगन दिया था डू और डाई का, बट इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये किसके रिस्पॉन्स में शो करी गई थी, जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी गई थी जब हमारे भारत देश में क्रिप्स प्रपोजल आया था, क्रिप्स प्रपोजल, उसके बाद जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी गई थी। क्रिप्स प्रपोजल के लिए गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, क्या, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि आगे की डेट का एक चेक दे दिया गया है। आगे की डेट का चेक का मतलब क्या है, आजादी आगे आगे कर दी है कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह बाद में बना के देंगे, तो उसके बाद ये बातें यहां पे करी गई, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो उसके रिस्पॉन्स में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी, आंसर नंबर सी इज द राइट वन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ऐसे यूनिट बताने हैं लेंथ के क्या होते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे सिंपल क्वेश्चन में हम हमेशा पेपर में गलत करके आते हैं। ऐसा यूनिट पूछा है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट पूछा है, तो वो होते हैं मीटर। अब आपको लगेगा किलोमीटर भी हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट इज द मीटर, मीटर इज द राइट वन, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर हो गया आप लोगों को, यस आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे कुछ इंटरनेशनल यूनिट आपको पता होनी चाहिए जो पेपर में पूछी जाती हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगा के पूछी जाती हैं, जैसे कि केल्विन अगर मैं बात करता हूं वो टेम्परेचर की यूनिट होती है, ऐसे यूनिट, मीटर डिस्टेंस की, एम्पियर करंट की, सेकंड टाइम की, मोल की बात करूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, किलोग्राम की बात करूं मास की, कैंडेला की बात करूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। सो ऑल दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट, जो 7 स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट, लाइट ईयर इज द यूनिट डिस्टेंस ऑफ, लाइट ईयर क्या होता है, यस लाइट ईयर क्या होता है, जल्दी से जल्दी बताइए लाइट ईयर क्या होता है, जस्ट ए सेकेंड आप आंसर दीजिए तब तक। है वो किस चीज का डिस्टेंस होता है आपका, लाइट ईयर एक्चुअली क्या होता है कि लाइट जो है एक साल में कितना ट्रेवल कर लेती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं, और लाइट ईयर जो होती है, एंड दैट इज द 9.46 × 10^12 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है एक साल में, या फिर आपको पेपर में डाल देगा 9.46 × 10^15 मीटर। मीटर और किलोमीटर का ध्यान रखना, किलोमीटर में मीटर 1000 होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है चेंज हो गया, तो ये किलोमीटर का हो गया, ये मीटर का डिस्टेंस हो गया। सो दिस इज द लाइट ईयर, क्लियर हो गया, एंड दिस इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के यूनिट देखने को मिलते हैं। और एक चीज आपको याद करनी है कि लाइट जो है आपकी कितनी टाइम में ट्रेवल करती है, मतलब स्पीड में, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, या फिर आपका 3 × 10^5 किलोमीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से ट्रेवल करती है, तो ये पता होना चाहिए, पेपर में इसे पूछे जाते हैं।
डिस्टेंस के यूनिट मीटर किलोमीटर का ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लाइट का जो है ध्यान रखना कि यूनिट क्या पूछे गए हैं। तो आप इसमें आंसर बता सकते हैं, अब क्या बनेगा इसका आंसर? यस, सो वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। तो वेरी लार्ज डिस्टेंसेस क्या होंगे आपके? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, खगोलीय दूरी जिसे हम कहते हैं, तो ये डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देखिए जी क्या है, किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग संविधान में यह लिखा गया है कि अगर किसी को भारत रत्न अवार्ड मिलता है हमारे भारत देश में, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, सी राजगोपालिया सर्वपाली राधाकृष्णन जी, और सी राजगोपालिया सर्वपाली राधाकृष्णन जी, और किसको मिला था? तीन लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचार्य, सर्वपाली राधाकृष्णन जी, एक पर्सन और है। यस, बता सकते हैं आप लोग कौन है थर्ड पर्सन? मेरे दिमाग से स्किप कर गया, चलो कोई ना, क्वेश्चन बात करते हैं। भारत रत्न अवार्ड जो है आप अपने नाम के आगे या नाम के पीछे नहीं लगा सकते, कौन से आर्टिकल में बोला गया है? यस, जी 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 जी, तो ये जो है किसके अंदर लिखा गया है? आर्टिकल 18 के अंतर्गत लिखा गया है, जिसमें हमने बात करी है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करी है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आप नाम के आगे या नाम के पीछे जो है अपना टाइटल्स नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, तो भारत रत्न अवार्ड जो मैंने आपको बताया था तीन लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचार्य जी, सर्वपाली राधाकृष्णन जी और सी वी रमन जी को मिला था, तीन लोगों को मिला था ये अवार्ड पहली बार। तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत आप नाम के आगे या नाम के पीछे कोई भी अवार्ड मिलता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे और नाम के पीछे नहीं लगा सकते। आंसर नंबर सी। आर्टिकल 17 की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? छुआछूत के विरुद्ध, ठीक है, यानी कि छुआछूत की जो चीजें हैं नहीं करनी आपने, यहां पे लिखा गया है। आर्टिकल 16 की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अगेन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और दैट इज 16 के अंतर्गत क्या है? यस, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के अकॉर्डिंग जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वन सेक, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, यहां पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 19 की अगर मैं बात करता हूं, 19 इज फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्लियर हो गया आप लोगों को? 19 इज फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। यस, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यस बिल्कुल, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आर्टिकल 16 में लिखा गया है ये। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 18(1). नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप की फोकल लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है आपकी? 25। अब बात करते हैं फोकल लेंथ बताइए आईपीस की क्या होती है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। देखिए मैग्निफिकेशन जो होती है वो क्या होती है? फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। सो दिस इज द फॉर्मूला, एक्चुअली ये आपका फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ को डिवाइड करना इस तरीके से, और मैग्निफिकेशन इस तरीके से। मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 25 इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज 50 सेंटीमीटर, 50 यहां पे आ गया, और आपके आईपीस की फोकल लेंथ बतानी है तो आईपीस की फोकल लेंथ यहां पे आ गई। तो आईपीस की फोकल लेंथ बनाने के लिए 50 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 2। सो 2 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या बन जाएगी? फोकल लेंथ बन जाएगी। किसकी? आईपीस की फोकल लेंथ बन जाएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? यस, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है संविधान के अंतर्गत जो बात करता है कैग की? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। अब मुझे एक चीज बताओ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है हमारे देश के, और ये करता क्या है? जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करता है, रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट जाती किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, और प्रेसिडेंट आगे जो है पार्लियामेंट में पेश करता है, आगे चली जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास चली जाती है, और वो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है? कैग की रिपोर्ट को पब्लिश कर देती है, और वो कहती क्या है
कि कैग ने घोटाला निकाला। सो इसीलिए हम कैग को बोलते हैं क्या, दैट इज गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोला जाता है, आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट बोला जाता है, ये इन सब नामों से हम जानते हैं कैग के बातों को। क्लियर, ये याद रखना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इसमें आर्टिकल क्या है आपका, आर्टिकल नंबर 148 इज द करेक्ट आंसर। कैग को अपॉइंट करता कौन है, राष्ट्रपति करते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। वैसे इनका कार्यकाल होता है, जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और इनका कार्यकाल होता है 6 साल और रिटायरमेंट एज 65। दोनों में से जो जल्दी हो जाए वो आप जो है इसमें कार्यकाल उसका बन जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। आर्टिकल 343 जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य की भाषा के बारे में बात करता है, एंड दैट इज हिंदी। हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है कंट्री की। आर्टिकल 110 की अगर मैं बात करता हूं, 110 जो है आपका आता है मनी बिल के बारे में, धन विधेयक बिल के बारे में। एक बिल को मनी बिल तब कहा जाता है जब उसके ऊपर स्पीकर साइन कर देते हैं। मनी बिल 14 दिनों में पास होता है, सारी पावर्स लोकसभा की होती हैं, राज्यसभा की कोई भी पावर इसमें देखने को नहीं मिलती। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। आर्टिकल 124 जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। याद रखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंतर्गत है, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा जो है दिल्ली में स्थापित किया गया है। इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम फेडरल कोर्ट के नाम से जानते थे, वो आपकी थी कोलकाता में, और वो कोलकाता में जो इस्टेब्लिश करी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश करी गई थी 1774 में कोलकाता के अंतर्गत। तो ये भी आपको याद रखना है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, दैट इज सी ए ऑप्शन, 148 इज द करेक्ट आंसर, 148। समझ आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही आंसर देते रहो, ऐसे ही आंसर देते रहो जी। विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई रॉक है उसके अंदर जो सॉल्ट है वो चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, क्लियर। जैसे ही सॉल्ट चला जाता है उसमें क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी। उसमें जो है नमक चला जाएगा और उसके जॉइंट्स में फैल जाएगा और बाद में वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के बाद जो है आपके सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ वहां पे देखने को मिल जाती है। यस, बिल्कुल सही जी। अब एक चीज बताओ, जब वो सॉल्ट अंदर चला जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा सभी जगह के ऊपर, इधर लगाया प्रेशर, उधर प्रेशर लगाया, इधर प्रेशर लगाया, तो उसके बाद चेंजेस जो होंगे वो क्या होंगे, फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो इसीलिए हम कहते हैं सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है आपकी फिजिकल वेदरिंग देखने को आपको मिलती है। पॉइंट समझ आया, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फिजिकल वेदरिंग देखने को मिलती है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, हवा टेम्परेचर किसी चीज का फर्क पड़ा और उसके जो है परत उसकी गिर गई, और अगर वो परत जो गिर जाती है, यहां से परत गिरी और वहीं पे गिर गई, तो दैट इज कॉल्ड वेदरिंग, उसे हम कहते हैं। तो यहां पे जो वेदरिंग होगी वो होगी आपकी, दैट इज फिजिकल वेदरिंग। क्लियर हो गया आप लोगों को जी, क्लियर हो गया आप लोगों को जी। फिजिकल वेदरिंग देखने को मिलेगी पीछे, हाँ। इसमें केमिकल टिक मत कर देना, केमिकल में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी रॉक्स की प्रॉपर तरीके से, मतलब रॉक्स टूट जाएंगी। यहां पे हम बात करते हैं सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ की, दैट मींस जैसे वो पत्थर है, पत्थर के अंदर नमक गया, नमक ने प्रेशर लगाया, टूटा नहीं है वो, तो लेकिन केमिकल में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, ये अलग हो गया, ये पीस अलग हो गया, ये पीस अलग हो गया, क्लियर। लेकिन जब सॉल्ट अंदर चला जाएगा, नमक चला जाएगा, पानी चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन देखने को आपको मिलेगी, और इवेपोरेशन देखने को मिलेगी तो इट मींस जो है साइड बाय साइड वो प्रेशर लगाएगा, इसीलिए उसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। केमिकल वेदरिंग में क्या होगी, रॉक टूट जाएगी उसी जगह के ऊपर। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, यस। बायोलॉजिकल तो आपको पता है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन्होंने कोई इफेक्ट डाल दिया। बायोकेमिकल मतलब दोनों तरीके से, केमिकल भी आएंगे और जीव भी आएंगे, लिविंग और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, सॉरी बायोकेमिकल में प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, और उसके साथ केमिकल लगाया तो इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल। सो ये आपको पता होना चाहिए, समझ आया आप लोगों को जी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ओशन करंट है जो कि आपका कोल्ड ओशन करंट नहीं है, कोल्ड ओशन करंट इनमें से कौन सा नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं इनमें से कोल्ड ओशन करंट कौन सा नहीं है, दैट इज कुरुशियो। कुरुशियो जो है आपका कोल्ड ओशन करंट नहीं है, ये आपका वॉर्म ओशन करंट देखने को आपको मिलता है। यस, बिल्कुल सही, आंसर नंबर सी।
एक चीज आपको ये याद रखनी है, जहां पे कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट जो है मिलते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, फॉग बनती है, प्लस वहां पे आपके फिशिंग ग्राउंड्स भी होते हैं जहां पे फिश, वहां पे फिश वाली प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलती है, दे आर द फिशिंग ग्राउंड्स। सो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, कुरोशियो करंट इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी इज द राइट वन, आंसर नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द पेंटिंग ऑफ भारत माता वॉज ओरिजिनली डन बाय, जो भारत माता की जो पेंटिंग है आपकी ओरिजिनली किसने बनाई थी, ये क्वेश्चन है आपका। ओरिजिनली जो भारत माता की पेंटिंग है वो बनाई थी अभेंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी, अभेंद्रनाथ टैगोर, तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, अभेंद्रनाथ टैगोर। अब बात करते हैं यहाँ पे जामिनी रॉय पेंटर है, मैं आपको बता दूं नंदालास बोस पेंटर हैं आपके, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें हम गुरुदेव ऑफ गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव का टाइटल इनको किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, और इन्होंने नाइटहुड का टाइटल वापस किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और इन्होंने जो है आपकी पहला नोबेल पुरस्कार इनको मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए, काबुली वाला पुस्तक इन्होंने लिखी रखी है, ये सारे फैक्ट तो आपको पता है, बट भारत माता की पेंटिंग सबसे पहले बनाई थी अभेंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी, तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, अभेंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा कथन जो है आपका थर्मोस फ्लास्क के लिए जो है करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है कि इनमें से वो कथन सही नहीं है कौन सा, नंबर वन, द वॉल्स ऑफ द फ्लास्क आर सेपरेटेड बाय द वैक्यूम एंड मेड अप ऑफ ए ग्लास विच इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है, जो अंदर होता है जैसे अंदर वाला शीशा होता है थर्मस का, ठीक है, थर्मोस का जो शीशा है, फिर उसके बाद जो बाहर प्लास्टिक वाला पार्ट होता है उसके बीच में एक वैक्यूम होता है, स्पेस होती है, और एक पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है कि तभी आप जो है उसको बाहर से ऐसे पकड़ लेते हैं, अगर बाहर से पकड़ के आपको गर्म फील हो रहा होता ना तो इसका मतलब क्या है, वो गुड कंडक्टर हो गया, सो इट मीन्स वो पुअर कंडक्टर है, जो अंदर वाली हीट है वो बाहर नहीं फेंक रहा, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। ग्लास वॉल देमसेल्फ हैव शाइनी सरफेस, जब आपने थर्मोस देखा होगा अंदर से वो शाइन कर रहा होता है तो आपका शाइनी सरफेस भी देखने को मिलता है। सरफेस ऑफ इनर वॉल रेडिएट्स गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड द सरफेस ऑफ द आउटर वॉल एब्सॉर्ब सम ऑफ द हीट दैट इज रेडिएटेड फ्रॉम द इनर वॉल, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर ये कर रहा होता, बाहर अंदर वाला जो है हीट बाहर छोड़ रहा होता और बाहर वाला उसको एब्सॉर्ब कर रहा होता तो मतलब ये क्या हो जाता, गुड, ये मतलब क्या हो गया, गुड कंडक्टर का मतलब हो गया, तो गुड कंडक्टर तो है ही नहीं है, गुड कंडक्टर होगा तो इसका मतलब जो अंदर चीज गर्म है वो आपको आधे घंटे में ठंडी हो जाएगी, तो थर्मोस में तो चीज ठंडी होती ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। द कॉर्क सपोर्ट्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यस दिस इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ जी, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इस तरीके से थर्मोस फ्लास्क होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से गुप्ता रूलर कौन है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, गुप्ता रूलर कौन है, ये तो सीधे सीधे टिक कर दोगे। गुप्ता वंश को हम कहते हैं क्लासिकल एज ऑफ एंशियंट इंडिया कहा जाता है, क्लासिकल एज इसीलिए कहते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखने को आपको यहां पे मिला था, और गुप्त एम्पायर को स्टार्ट किसने किया था, श्री गुप्त ने स्टार्ट किया था, और रियल फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त वन इनके रियल फाउंडर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहां पे गुप्त रूलर की, तो इसमें जो विक्रमादित्य है ये आपके क्या है, दैट इज गुप्त रूलर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम चंद्रगुप्त सेकंड भी कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फाहियान जो पहला चाइनीज पिलग्रिम था वो देश में देखने को आपको मिला था, और जो आयरन पिलर महरोली है, आयरन पिलर महरोली जो है आपका इनके नाम पे देखने को मिलता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काली यस ठीक है, आंसर नंबर बी। विमा खाड़फिसिस की बात करूं, ये फादर हैं कनिष्क के, कनिष्क को हम कहते हैं दूसरा अशोक कहते हैं, क्योंकि इसने बुद्ध धर्म का प्रचार किया था, चाइना कोरिया जापान के अंतर्गत इनका बुद्ध धर्म का प्रचार किया था, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने करवाई थी कश्मीर में, जहां पे हीनयान और महायान में डिवाइड हो चुका था बुद्ध धर्म। और दूसरी बात करते हैं कनिष्क की, कनिष्क को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था अश्वघोष ने, कन्वर्ट करवाया था, और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है, यहां पे चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरपर्सन जो हैं
एंड डैड दैट इज वासुमित्र। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। धनानंद की बात करते हैं, जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया था तो धनानंद रूलर थे, धनानंद को हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था कौटिल्य की मदद से, और नंद वंश का खत्म करके मौर्य वंश यहाँ पे स्थापित किया था। कौटिल्य को हम चाणक्य, विष्णुगुप्त और इंडियन माइकावेली के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज विक्रमादित्य इज द राइट वन, विक्रमादित्य। चलिए आगे बढ़े। जी हाँ, कनिष्क ने 78 एडी में शक ईरा भी स्टार्ट किया था, यह भी आपको पॉइंट याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है आपकी ज्योग्राफिकल एरिया में, एरिया वाइज सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है। यहां पे एरिया वाइज सबसे बड़ी कौन सी है, अंडेमान निकोबार, और दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी लक्षद्वीप आ जाती है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे ऑफिशियल डेटा है, ये ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है, एरिया वाइज की बात चल रही है, स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा होती है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अंडेमान निकोबार, स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ हो गया, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट माहे हो गया। तो ये ऑफिशियल डेटा है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है डेटा है। क्लियर, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिया, स्टेट भी पूछ ली, तब भी आपको ये पता होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को, आई थिंक दिस इज क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब हम खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा जो बॉटम ऑफ द वेसल है, जो वेसल होती है आगे नीचे जो होती है वो धीरे धीरे जो है काली होने लग जाती है बाहर से। इस वर्ड का मतलब क्या है, इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that what? What is the meaning? इसका मतलब क्या होता है? तो फटाफट आंसर दीजिए क्या है? जब बाहर से ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जहां पे होंगे वहां पे ब्लू कलर सॉरी वहां पे आपको ब्लैक कलर दिखेगा। जैसे अगर आप माचिस की तीली चलाते हैं, कोई भी चीज चलाते हैं, अगर वो आग जल रही है ठीक है, उसमें जो ब्लैकेंड वाला पार्ट होगा वहां पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, और जहां पे येलुश, जहां पे जो है आपको डेट इज ब्लूइश कलर दिखेगा वहां पे सब सारे कार्बन पार्टिकल खत्म हो चुके होंगे। इसीलिए ब्लू वाला पार्ट जो होता है गर्म वाला पार्ट होता है आपका, समझ आया। सो यहाँ पे जो फ्यूल है वो आपका कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ, जिसके कारण जो है नीचे से वो चीज क्या दिख रही है, हमें काले रंग की दिख रही है, ब्लैक कलर की दिख रही है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माउंट सेंट हेलेन जो है लोकेटेड है कहां पे, माउंट सेंट हेलेन जो लोकेटेड है ये कहां पे। अगेन वॉल्केनो वाली बात आ रही है यहां पे, तो ये देखने को मिलती है आपकी यूएस के अंतर्गत, यूएसए में देखने को मिलती है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जापान फिलीपींस की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर हैं, जिनके हेडक्वार्टर मनीला के अंतर्गत है, मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूटर कौन है, जापान देखने को आपको मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा हिस्सा जापान का वहां पे कंट्रीब्यूशन में आता है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यूएसए इज द राइट वन, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है इलेक्शन कमीशन का नहीं है, इलेक्शन कमीशन का कौन सा फंक्शन देखने को आपको नहीं मिलता। नंबर वन, द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरिया है, जैसे इस बाउंड्री एमएलए ये है, इस बाउंड्री में एमपी ये है, ये सब बातें जो हैं आपकी किसकी हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की होती हैं, परिसीमन आयोग की होती हैं। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है चार बार बैठा है, 52 में, 63 में, 73 में और 2002 में, चार जगह चार टाइम जो है ये बैठा है डिलिमिटेशन कमीशन। और डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जब ये एरिया डिवाइड करने होते हैं, एमपी का एरिया एमएलए का एरिया डिवाइड करना होता है, तब जाके डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है। ये काम इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ उसकी डिलिमिटेशन बनाना। ये बात बिल्कुल सही है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है, बट अदरवाइज डिलिमिटेशन कमीशन का काम सिर्फ और सिर्फ एरिया को डिवाइड करना होता है, बाउंड्रीज को डिवाइड करना होता है। रेकॉग्निशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये दोनों आपके काम किसके हैं, इलेक्शन कमीशन के। वोटर्स को अप टू डेट ऑल द टाइम रखना, तो ये भी काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल नंबर 324 में लिखा गया है, 6 साल काम करने की टेन्योर होता है, 65 इज द रिटायरमेंट एज, दोनों में से जो जल्दी हो जाए। और अगेन
राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति को ही ये रेजिग्नेशन देते हैं अपना। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद बरदाई जो कोर्ट पोइट है पृथ्वीराज चौहान जी का, पृथ्वीराज चौहान जी का कोर्ट पोइट है, इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? यहां पे उसने पुस्तक लिखी है कौन सी, दैट इज पृथ्वीराज रसो। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पृथ्वीराज रसो नाम की पुस्तक किसने लिखी है, चंद बरदाई ने लिखी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान जी के साथ लड़ाई हुई हुई है किसकी, मोहम्मद गोरी की। एक्चुअली दो लड़ाइयां हुई हैं, बैटल ऑफ तराइन की। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। 1191 में जो पहला युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। दूसरे युद्ध में जीता था मोहम्मद गोरी। क्लियर, ये याद रखना। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे धन लूटपाट तो करना ही करना था, प्लस राजपाट भी इस्टेब्लिश करना यहाँ पे उसका मेन एम था। इसीलिए अपने गुलामों को यहाँ पे छोड़ जाता है, जिसमें एक सबसे बड़ा मेन गुलाम इनका होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे अपनी स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट करता है, गुलाम वंश को स्टार्ट कर देता है दिल्ली के अंतर्गत, जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, पृथ्वीराज रसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन से बैक्टीरिया जो है आपके सबसे लंबे देखने को मिलते हैं साइज में, लॉन्गेस्ट इन साइज। विब्रियो की बात करते हैं तो वो कॉमा शेप होते हैं, बैसिलाई की अगर मैं बात करता हूं तो ये रॉड शेप्ड होते हैं ऐसे, कोकस की बात करें ये राउंड शेप होते हैं ऐसे, स्पाइरल की बात करें इस तरीके से स्पाइरल देखने को मिलते हैं। तो यहां पे सबसे लंबे जो है बैक्टीरिया कौन से हो गए हैं आपके, बैसिलाई। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बैसिलाई जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं, जो कि आपके प्रॉपर तरीके से रॉड शेप देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द लॉन्गेस्ट इन साइज, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, याद कर लेना अच्छे से। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा सैफरन उगाया जाता है, सैफरन का मतलब केसर। और मैंने आपको बताया था सैफरन हमेशा जो होता है हाईलैंड्स में उगाया जाता है, यानी कि जो लैंड्स उच्च ऊपर उठी हो, क्लियर, उन हाईलैंड्स को हम बोलते हैं करेवास बोला जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं सैफरन की तो वो प्रोड्यूस होता है आपका ईरान में, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया में बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो सैफरन केसर प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे, और जम्मू कश्मीर में सैफरन प्रोड्यूस किया जाता है, और जम्मू कश्मीर में इसको जीआई टैग भी देखने को मिलता है हमारे देश में, जीआई टैग। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ईरान इज द करेक्ट वन। ईरान सबसे बड़ा साइज में है ये। चलिए जी अगला आंसर बताइए, यूरोपियन यूनियन के जो आपके हेडक्वार्टर हैं वो कहां पे हैं, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर कहां पे हैं, ब्रसेल्स बेल्जियम की कैपिटल, यहां पे आपके यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। अगर मैं पेरिस फ्रांस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे यूनेस्को के हेडक्वार्टर हैं, यूनेस्को के, क्लियर, और ओईसीडी के भी हेडक्वार्टर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन डेवलपमेंट और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ब्रसेल्स बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर, ब्रसेल्स बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अवार्ड जो दिए जाते हैं किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं आपको बताना है। अर्जुना अवार्ड किस कैटेगरी में मिलता है, ऑस्कर अवार्ड किस कैटेगरी में मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड किस कैटेगरी में, पुलिजर अवार्ड किस कैटेगरी में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर में ऐसा क्वेश्चन अगेन पूछा जाता है आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए जी, अर्जुना अवार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ये स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है, तो ए का बनेगा तीन। जब तीन बनेगा तो ऑप्शन या तो बी है, या तो सी है, या तो डी है, क्लियर। ऑस्कर अवार्ड हमेशा जो होता है आपको सिनेमैटिक वर्ल्ड में मिलता है, तो मतलब बनेगा वन, तो इसका मतलब ये आंसर बनेगा। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड कोचिस को मिलता है, ये भी सही है। पुलिजर अवार्ड जो है जर्नलिस्ट को मिलता है, ये भी सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 3142 इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन बनेगा इसका राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन, क्लियर। यस, अर्जुना अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देती है, और ऑस्कर अवार्ड अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स देती है, क्लियर। द्रोणाचार्य अवार्ड अगेन जो है आपकी प्रॉपर तरीके से, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है यूथ अफेयर मिनिस्ट्री देती है, पुलिजर अवार्ड जो है यूएस के अंदर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो आपका पुलिजर अवार्ड देती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, क्लियर। सो नाउ इज द करंट अफेयर पार्ट, जो आपके डेली करंट अफेयर्स हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिए और बढ़ेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऑफ द डे भी पेंडिंग है और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपको बताने हैं, बहुत सारी चीजें पेंडिंग है आगे, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर वन, नेम ऑफ द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री फॉर विच ओबामा गॉट द नरेटर
एमी अवार्ड, बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड। एमी अवार्ड दिया गया है बराक ओबामा, जो प्रीवियस, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो इनको किसके लिए अवार्ड मिला था ये? यस बताइए, यस अवर ग्रेट नेशनल पार्क, इस चीज के लिए जो है इनको एमी अवार्ड दिया गया है। तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, पहली कंट्री जिसने वर्ल्ड की पहली नीडल फ्री यानी कि इनहेल्ड वर्जन, यानी कि आप सूंघ सकते हैं सीधा, सूंघ को और कोविड 19 वैक्सीन आपके अंदर चली जाती है, तो वो कौन सी कंट्री बनी है? यस बता सकते हैं आप लोग, यस चाइना ने इस चीज को अप्रूव किया है, चाइना ने नीडल फ्री की बात करी है यहां पे, यस चाइना। अगला क्वेश्चन देखिए, रेमिडेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया स्टडिंग इन वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज हैज बीन स्टार्टेड बाय। डिसलेक्सिया क्या होता है? जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दिक्कत आए, आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत आए, तो डिसलेक्सिया के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो इसमें कौन से इंस्टीट्यूट ने जो है स्टार्ट किया है प्रोग्राम, तो आप बता सकते हैं ये, यस बिल्कुल आईआईटी मद्रास ने इस चीज को स्टार्ट किया है, डिसलेक्सिया प्रोग्राम को, मतलब इस चीज से बचने के लिए मद्रास ने स्टार्ट किया है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैस्केट बताइए 36 नेशनल गेम्स अहमदाबाद के अंतर्गत जो है आपका मैस्केट क्या था, मैस्केट क्या है 36 नेशनल गेम्स का, तो वो है सावाज, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर, सावाज इज द राइट वन, आंसर नंबर ए, समझ आ गया सावाज, आंसर नंबर वन, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट 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 बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, जबरदस्त तरीके से दे रहे हो। इनमें से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को एंड टू एंड हमने डिजिटाइजेशन के लिए वर्ड यूज किया, तो कौन सा प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया, ये प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया था? किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है आपकी लॉन्च करी गई थी 1998 में, इसमें क्रेडिट कार्ड दिए गए थे किसानों को, और उसमें बात करी गई थी कि कोई भी वो जो है खाद ले सकता है, पेस्टिसाइड ले सकता है, उस चीज से बिना पैसे दिए, क्लियर, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब बात यह है कि अगेन ये जो है रूरल एरियाज में स्टार्ट किया गया है, कि यानी कि गांव के लोगों को जो है क्रेडिट कार्ड जो है प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किए जाएं, जी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किए जाएं, और खास करके ये मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के जो रूरल सिस्टम है उसको मतलब उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए बातें करी गई हैं। तो इसमें से बताइए जी कौन सा पायलट प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया है ये? तो आरबीआई ने इस चीज को स्टार्ट किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस चीज को स्टार्ट किया है, नॉट एसबीआई, दिस इज आरबीआई, आरबीआई ने स्टार्ट किया है, नॉट एसबीआई, आरबीआई ने स्टार्ट किया है इस चीज को। 56 प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके? यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, बोरिस जॉनसन को रिप्लेस किया है इन्होंने, और इनका नाम क्या है? 56 प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज लिज ट्रूस इज द नेम, लिज ट्रूस, और बोरिस जॉनसन को रिप्लेस किया है इन्होंने, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। अभी हमारे जो है नेशनल टीचर्स डे होके निकला है 5 सितंबर को, तो उस दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्कीम लॉन्च कर दी थी, और उस स्कीम का नाम क्या है? दैट इज प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो ये चीज स्टार्ट करी थी इन्होंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मॉडल स्कूल्स प्रॉपर तरीके से बनाए जाएंगे, बच्चों को प्रॉपर तरीके से शिक्षा वहां पे मिलेगी, क्लियर, और जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम कंप्लीट करेंगे। अब बात ये है कि ये स्कीम कौन सी है, बता सकते हैं आप लोग? यस बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री श्री, अब यहां पे श्री लिखा हुआ है तो ये गलत है ऑप्शन, प्रधानमंत्री श्री, क्योंकि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका स्कीम का फुल नेम है। पॉइंट समझ आया? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर डी, समझ आया आप लोगों को? आंसर नंबर डी, प्रधानमंत्री श्री बनेगा, श्री अकेला नहीं टिक करेंगे हम लोग, समझ आया आप लोगों को? जी, और आपको मैं बता दूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी, कस्तूरी रंगन कमेटी, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपथ और सेंट्रल विस्टा जो लॉन है हमारे दिल्ली के अंतर्गत, उसमें उसका जो नाम है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है नाम को रिप्लेस करने का, सेंट्रल विस्टा और राजपथ को, तो उसका नाम क्या होने वाला है आगे? तो उनका नाम जो होने वाला है वो कौन सा है, बता सकते हैं आप लोग? जी, तो इसका नाम है कर्तव्य पथ, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, कर्तव्य पथ जो होगा उसका नाम देखने को आपको मिलेगा, आंसर नंबर वन। सो नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, फटाफट इसका आंसर बताइए, हम डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया तिरंगा उत्सव ताकि हम जो है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकें पिंगाली वेंकैया जी की,
जो कि नेशनल फ्लैग के डिजाइनर हैं। तो बात यहां पे ये है कि उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी थी तिरंगा उत्सव के लिए, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 146th बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी थी पिंगाली वेंकैया जी की, ये याद रखना। कौन सी कंट्री ने मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 अगस्त 2022 में लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था अदर 16 नेशन के साथ। तो कंट्री जिसने आपका इस चीज को स्टार्ट किया था वो कौन सी कंट्री थी, दैट इज कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज को स्टार्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज को स्टार्ट किया था। यस, आंसर नंबर यस, बिल्कुल सही। नेम द ऑथर ऑफ द बुक डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट द वॉल्केनोस हरिकेन्स क्लाइमेट चेंज अर्थक्वेक एंड मोर। इस बुक के ऑथर बताने हैं डेंजरस अर्थ, जिसमें वॉल्केनोस की बात, क्लाइमेट चेंज की बात, अर्थक्वेक की बात, ये सब करी गई है। इनका नाम है एलन पर्गर। क्लियर, इट्स कॉल्ड एलन प्रेगर। एलन प्रेगर, तो आंसर नंबर इज एलन प्रेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन ऑफ स्काइज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पुस्तक जो है किसने लिखी है, ये पुस्तक किसने लिखी है लाइन ऑफ द स्काइज, बता सकते हैं आप लोग? जी, इसका नाम है स्टीफन बार्कर। इसका नाम क्या है? स्टीफन बार्कर, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत जो हमने MiG-21 फाइटर जेट है 2022 में उसको हमने रिटायर कर दिया है, आगे चार जो है और चार जो है हमारे पास पड़े हैं, सॉरी आगे तीन और जो हमारे पास पड़े हैं उसको हम कंप्लीटली रिटायर कब करेंगे? एक जो है हमने रिटायर कर दिया 2022 में, जो आगे तीन रह चुके हैं उसको हम कब रिटायर करने वाले हैं? यस, 2025 तक जो है हम तीनों को रिटायर कर देंगे। तो आंसर नंबर 2025। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये भी हम रिटायर कर देंगे। सो अभी क्वेश्चन ऑफ द डे पेंडिंग है, क्वेश्चन ऑफ द डे पेंडिंग के उससे पहले लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं अगर मेरे से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मेरा बैच ले सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का लाइव सिलेक्शन बैच। इसमें हम लाइव डिस्कस करते हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती हैं, सैटरडे हमारा डाउट सेशन रहता है और संडे को आपका मॉक टेस्ट यहां पे देखने को मिलता है। और 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट है एडमिशन की, तो आप अगर इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें ले सकते हैं। और अगर आप लोग जो है सिर्फ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जो इसमें आपको 10 पैसा पर एमसीक्यूज भी मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 पैसे लगेंगे आपको पर एमसीक्यूज। यहाँ पे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है ये। इसमें कोड डाल देना VIP फ्लैश तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस बैच में, लाइव बैच में आपको कोड डालना है VIP 1000 तो भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर, सो इस चीज को आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़नी है तो ये वाला कोर्स लीजिए, एमसीक्यूज पढ़ने हैं सिर्फ वो वाला कोर्स लीजिए। क्लियर, तो आप लोगों को ये कोर्सेज कहां पे मिलेंगे? स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा सर्च बार, सर्च बार में डाल देना लाइव। जैसे आपने लाइव वर्ड डाला तो आपको ये जस्ट लॉन्च में ये ऐसा कोर्स नजर आएगा लाइव जनरल अवेयरनेस का, इसमें डाल देना कोड VIP 1000। अगेन यहां पे ही आप सर्च बार में डाल सकते हैं 10,000 तो आपको ऐसे कोर्स नजर आ जाएगा 10,000 एमसीक्यू कोर्स बाय विपिन सर, तो आपको यहां पे कोड डालना है VIP फ्लैश, तो यहां पे आपको डिस्काउंट्स मिलने जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर, बाकी जो भी चीजें हैं अपडेट्स वगैरह जो हैं आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहां पे, तो यहां पे आप अपडेट्स वगैरह सारे मिलते रहेंगे, यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी चीज की इन्फॉर्मेशन है मैं सभी जगह के ऊपर शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट, पेपर, कोई क्वेश्चन हो। क्लियर, नाउ इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बताने हैं। यस, सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को बताने हैं, फटाफट बताइए इन चीजों के क्वेश्चन। ये कल आपको करने हैं, मतलब कल मैं इसके आंसर बताऊंगा लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को करके आने हैं। पार्टीशन ऑफ द बंगाल हुआ था जब, तो इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी, एग्जैक्ट डेट क्या थी। क्लियर, विडो रिमैरिज एक्ट जो पास किया गया था आपका कौन से साल में पास किया गया था, मुस्लिम लीग जो बनी थी वो कौन से साल में मुस्लिम लीग बनी थी, ये आपके क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने कौन सा वॉरशिप था हमारा जो के मैरिटाइम एक्सरसाइज करी थी विद द फ्रेंच वॉरशिप, और कहां पे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमारे इंडिया से वॉरशिप कौन सा गया था, जाने की इंडिया और फ्रेंच की वॉरशिप हुई थी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंतर्गत, हमारे जहाज का नाम बताना है आपको। कौन सी टेलीकॉम इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया है स्पेक्ट्रम
700 मेगाहर्ट्ज, 800, 1800, 3300, 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। और ये ऑक्शन कंडक्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा अगस्त 2022 में। तो किस टेलीकॉम इंडस्ट्री ने इसको जो है एक्वायर कर लिया है कि हम सब चीजें ये प्रोवाइड करेंगे, तो कौन सी टेलीकॉम इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया है ये वाला पार्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, एक बार नजर मार लीजिए दोबारा से इन चीजों के ऊपर, ठीक है? तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कल हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे पहले, फिर उसके बाद हमारी डेली क्लास जो चलेगी जिस तरीके से आज हमने पढ़ा है। तो हम होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे, कंसोलिडेटेड वे में चलेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे एमसीक्यूज करंट के भी चलेंगे और अगेन जनरल अवेयरनेस के भी एमसीक्यू चलेंगे, जिससे आपको जो है कंप्लीटली एक पैकेज मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से हम स्टडी कर लेंगे यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।